यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर CCAW ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम में मॉम्स बिलीव संस्था ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद देशवासियों को ऑटिज्म को लेकर जागरूक करना था, पूरी तरह से जानकारी देना था। जिन बच्चों को आप मस्ती करते हुए देख रहे हैं, ये बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं और इन्होंने ही ये पेंटिंग्स बनाई हैं। दरअसल CCAW ने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मकसद लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना था। हमारा इस कार्निवल का मकसद है कि हम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं कि ऑटिज्म होता क्या है, ऑटिज्म क्या एक मेडिकल कंडीशन है और कैसे हम ऑटिज्म के लक्षण जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं। जितनी जल्दी हम ऑटिज्म के लक्षण पहचानेंगे, उतना जल्दी हम बच्चे की मदद कर सकेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ही ऑटिज्म के लक्षण पहचाने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे के साथ भी ऑटिज्म के लक्षण पहचान सकते हैं। इस कार्यक्रम में मॉम्स बिलीव नामक संस्था ने भी हिस्सा लिया, जो स्पेशल बच्चों के लिए हमेशा से ही काम करती है। जो संस्था है बहुत अलग तरीके के काम करती है कि जब बच्चा डायग्नोज हो जाता है, जैसे कि ऑटिज्म डायग्नोज हो गया, तो वो हमारे साथ में कनेक्ट करें और हम उन्हें होम थेरेपी प्रोग्राम, होम में जो माँ काम कर सकती है बच्चों के साथ में, तभी मॉम्स बिलीफ नाम है। और उससे क्या होता है कि हम हर एरिया में बच्चे के साथ में मदद कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत करने का हो, चाहे वो सोशल एरिया हो, चाहे वो कॉम्प्रिमेंशन एरिया हो, चाहे कम्युनिकेशन एरिया हो, हम इन सब एरियाज में बच्चे के साथ में मदद करते हैं। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के CEO और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भी इन स्पेशल चाइल्ड के साथ वक्त बिताया और ऑटिज्म को लेकर लोगों को जागरूक किया। पेरेंट्स नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए कि ऑटिज्म की कंडीशंस के क्या लक्षण है, हाउ डू यू इंटरवीन, हाउ डू यू गेट द ट्रीटमेंट फॉर द ऑटिज्म। एंड जितने ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग ऑटिज्म से डील कर सकेंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट डॉक्टर दीपक गुप्ता इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ही हैज क्रिएटेड सम वीडियोस फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस आल्सो, दैट विल आल्सो गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर बताया गया कि ऑटिज्म से लड़ने के लिए परिवार का प्यार कारगर दवा साबित हो सकती है। साथ ही ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के परिजनों को बताया गया कि इससे प्रभावित बच्चों को कई सारी चीजों की खुराक चाहिए होती है, जिसमें ऐसी चिकित्सकीय क्रियाएं शामिल हैं जो उसे स्कूल, परिवार और दोस्तों के बीच मेलजोल में मदद करेंगी। खबरें अभी तक के लिए दिल्ली से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।